पत्रकार द्वारा राज्य मंत्री से सवाल पूछने पर गिरफ्तार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। गुरुवार को पत्रकारों ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद संबल की तहसील चंदौसी के गांव बुद्धनगर खंडवा में गत 11 मार्च को एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी से विकास को लेकर जनता से किए गए वायदों पर यूट्यूब न्यूज चैनल के पत्रकार संजय राणा द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद नौकरशाहों के इशारे पर सत्ताधारी दल के एक पदाधिकारी से तहरीर दिलवाकर पत्रकार के विरुद्ध जो पुलिसिया कार्यवाही की गई है वह न केवल घोर निंदनीय है बल्कि चंदौसी पुलिस का एक सामान्य नागरिक को हथकड़ी लगाना, सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों की मूल भावना के विपरीत एवं मानवीय अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकारी कामकाज की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाना एक आम नागरिक का मौलिक व लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु राज्य मंत्री को असहमति की आवाज स्वीकार नहीं है, जो चिंताजनक है। अपेक्षा की जाती है कि मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त पत्रकार मोर्चा मांग करता है कि उक्त प्रकरण में नोटिस जारी कर राज्य मंत्री से स्पष्टीकरण तलब किए जाने के साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश पारित करने का कष्ट करें ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार साद उस्मानी, भीष्म सिंह देवल, सचिन चौधरी, मुजम्मिल दानिश, कुश आर्य, फरजंद अली वारसी, सलीम अंसारी, शनी सिंह, शावेज खान, जुनैद असलम, मोहम्मद अब्बास, मुजफ्फर हुसैन, सैयद दानिश हुसैन, मोहम्मद कासिम, अजीम अब्बासी, भूपेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, सिराज अहमद चिश्ती, मुनेश पाल सिंह, गौरव कुमार, महबूब हुसैन, मुबारक हुसैन आदि शामिल रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद संभल से संजीव कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार के साथ जो तथाकथित लफ्ज जोड़ा जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया से जो भी व्यक्ति जुड़ा है और आजकल जो सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हैं वो सभी पत्रकार हैं, और ये चंदौसी में कुछ चैनल्स ने दूषित मानसिकता से उसे तथाकथित पत्रकार कहकर एक तरह से उसी नौकरशाही को कहीं ना कहीं समर्थन किया, उस सरकार की कहीं ना कहीं चापलूसी की, जो व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए किसी मंत्री से, किसी जनप्रतिनिधि से उसका सवाल पूछने का एक मौलिक अधिकार है, एक लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि कोई पत्रकार, कोई आम व्यक्ति, उस आम व्यक्ति को भी आर्टिकल 19 में, धारा 19, आर्टिकल अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रता दी गई है, एक आम व्यक्ति भी, एक पत्रकार भी, यदि वो अपने गाँव में राज्य मंत्री से कोई सवाल पूछ रहा है, कोई सवाल पूछा है विकास कार्यों को लेकर, तो उस पर उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई अनियमित है, घोर निंदनीय है। इसके लिए हम यहाँ आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा दूसरे विकल्प, यदि हमें सरकार से कोई न्याय नहीं मिलता है तो इस मामले को हम उच्च न्यायालय तक लेके जाएंगे। चंदौसी में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने एक पत्रकार के साथ जिस तरह का बर्ताव किया वो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के पत्रकारों को अपमानित करने वाला कृत्य है। पत्रकार ने विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उसे हथकड़ी लगा दी गई। इससे साफ जाहिर है कि पत्रकार और पत्रकारिता का किस तरह से गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का विरोध किया है पत्रकारों ने, इसी को लेकर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है और अपना ज्ञापन राज्यपाल को भेजा है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ जो मुकदमा हुआ सर, उसको वापस लिया जाएगा क्या पत्रकार के खिलाफ? बिल्कुल, हम लोग ये मांग उठा रहे हैं। आज हमने पहला ज्ञापन दिया और इस मामले को लेकर लगातार आंदोलन का रास्ता पकड़ा जाएगा, आगे दूसरे कदम उठाए जाएंगे, मशाल जुलूस निकाला जाएगा, प्रदर्शन किए जाएंगे और जाहिर तौर पर उस पत्रकार को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। ठीक है।